नमस्कार हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मेरा नाम है मनोज रस्तोगी सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन कहा था आपको अगर याद हो आ, नीट के मामले में कि अगर पॉइंट ज़ीरो जीरो वन प्रतिशत की भी चूक हुई हो कमी हुई हो तो उसे मान लेना चाहिए स्वीकार करिए उस पर सुधार कीजिए कार्रवाई कीजिए लेकिन जो भी कीजिए फर्म कीजिए तो कल जो यू नेट की एग्ज़ाम केंद्र सरकार ने एक दिन बाद ही खुद बिना किसी शिकायत के भंग किया था और उसकी भर में तो अच्छी खासी प्रतिक्रिया भी हुई तो आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने सामने आकर के देश को बताया है कि नीट नीट की परीक्षा रद्द नहीं करेगी केंद्र सरकार मतलब ये सरकार की पोजीशन है तो ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो उस दिन कहा था उसका आप जवाब मान सकते हैं कल जो देश भर में विपक्ष का हमला हुआ और अभी आ, और जारी है यू जी सी नेट की परीक्षा कैंसिल होने के बाद रद्द होने के बाद जिसमें सरकार ने खुद ही कहा कि नेशनल साइबर क्राइम आ, जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट असेसमेंट जो उनका एक विंग है उसने ये बताया कि इसमें सेंटिटी ऑफ द एग्ज़ाम यानी एग्ज़ाम की जो निष्पक्षता है जो उसकी पवित्रता है वो प्रभावित हो गई है यानी सारा आसान शब्दों में कहे तो परीक्षा लीक हो गई है परीक्षा जो उसकी वो भंग हो चुकी है और ये सरकार ने खुद उसके पास ऐसे इनपुट मिले तो आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया कि डार्क नेट पे डार्क नेट इंटरनेट पर वहाँ पर ये सबूत मिले हैं कि ये परीक्षा लीक हुई थी वैसे तो मीडिया के कई उसमें ये बात आई है कि टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे पाँच हज़ार दस हज़ार रुपये में ये पेपर यू नेट का मिल रहा था ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जैसे मेडिकल में नीट मेडिकल सिस्टम के लिए ये देश की शिक्षा के लिए जो एसोसिएट प्रोफेसर के पदों के लिए देश में जो शिक्षक बनते हैं यू जी के उनके लिए ये परीक्षा होती है तो आप सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण है अब उन्होंने ये कहा है प्रधान जी ने अभी प्रेम मीडिया से बात करते हुए तो थोड़ा उसको सुन लीजिए जो उन्होंने कहा है और फिर मैं इस पर आपसे आगे बात करता हूँ कि इसके मायने है क्या हैं चाहता हूँ पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी एन टी ए हो या एन टी ए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में मैंने पहले भी कहा है एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाए हैं एनटीए की स्ट्रक्चर एनटीए की फंक्शनिंग एग्जामिनेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमिटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार ने 2024 में पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट को भी लाया है विद्यार्थी हमारी देश की भविष्य है मैं सभी से अनुरोध करता हूं इस संवेदनशील इशू पे किसी भी तरह की अफवाह फैलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनीतिक दृष्टि से देखा ना जाए कल मैं जब हमारी यूजीसी चेयरमैन को गृह विभाग की होम मिनिस्ट्री की आई फोर सी एजेंसी जो विशेष करके साइबर क्राइम को ट्रैकिंग करने के लिए बनी है उन्होंने बजे जानकारी दी कि इस इस प्रकार की डार्क नेट में क्वेश्चन आ गया है उस क्वेश्चन को हमने एनटीए की जो ओरिजिनल क्वेश्चन था सा उसके साथ टैली करवाया जब हम स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है। हम लोगों ने निर्णय किया इसके ऊपर उच्च स्तरीय अनुसंधान और सीबीआई इंक्वायरी हो क्योंकि इन दिनों में टेलीग्राम पे ये न्यूज आता है ये क्वेश्चन आता है टेलीग्राम की जो चरित्र है उसको एक उच्च स्तरीय अनुसंधान के बिना उसकी ट्रैकिंग करना अपने आप में एक चुनौती है आप उसके बारे में जानते हैं हमने निर्णय परीक्षा हुई है उसको स्थगित किया जाए और जल्द ही हमने उसी में भी कहा है कि जल्दी हम नया तिथि के साथ आएंगे परीक्षा करने के लिए जहां रहा नीट के सवाल है नीट में मैं उसको कोई अच्छी बात नहीं मानता हूं लेकिन मैं फिर विनम्रता से कहना चाहूंगा जो लाखों मेधावी विद्यार्थी बहुत मेहनत से उस परीक्षा को उत्तीर्ण हुए हैं उनकी भी हितों को हमें ध्यान देना है जैसे मैंने कहा मैंने प्रारंभिक सूचना में कहा कि पटना पुलिस की काम सराहनीय है एक आइसोलेटेड घटना को उन्होंने राउंड अप कर पाया है कुछ जानकारी और भी आना बाकी है इसलिए उसको फाइनल कार्रवाई भी हम जल्दी कर देंगे उस अनुसंधान को हम पुख्ता करना चाहते हैं हम उनके अनुसंधान से संतुष्ट हैं भारत सरकार के अधिकारी और बिहार पुलिस की वरिष्ठ अधिकारियों की निरंतर वार्तालाप हो रही है ये दोनों घटना की बैकग्राउंड और चरित्र दोनों के अलग है और हम फिर कहना चाहेंगे लाखों विद्यार्थियों की मेधावी विद्यार्थियों की गरीब विद्यार्थियों की हितों की बात है हम ऐसा कुछ ना करें जहां हमारी देश की भविष्य काटघेरे में आ जाए दिस क्वेश्चन लीक इज एंस्टिट्यूशनल वी आर एरिंग यू देर विल रिफॉर्म कमिटी एक्शन विल बी फिक्स्ड तो जो प्रधान जी कह रहे हैं या जो उन्होंने मीडिया के सामने देश को विपक्ष के आरोपों के बारे में बड़े सारे सवाल उनसे पूछे गए तो एक तो मोटे तौर पर उन्होंने आके बताया के कि देखिए ये गवर्नमेंट का स्टैंड है क्योंकि दबाव बन रहा था देश भर में कोराम मचा हुआ है हर चैनल पर उस चे, उन चैनलों पर भी जो खुद सीधे सीधे सरकार के नियंत्रण में प्रभाव में और उनकी गुणगान में लगे रहते हैं उन पर भी ये चल रहा है क्योंकि संभव नहीं था तो नेटे नेरेटिव पूरा घूम गया था उल्टा ही हो गया था सारा कुल मिला के तो एक तो उन्होंने स्पेसिफाई करने की कोशिश की है कि हम हैं जिसकी मांग की जा रही थी कि भाई आकर बात तो करो तो उस दृष्टि से तो ये स्वागत योग्य कदम है कि कम से कम मंत्री जी ने आकर संवाद करने की अहमियत समझी और कदम उठाया उन्होंने बताया तो ये बड़ा इसका हम स्वागत करते हैं मंत्री जी की इस बात का कि वो आए और उन्होंने अपनी बात कही प्रश्न लिए और विनम्रता से जो उनके पास इसके सिवाय अभी चारा भी नहीं है लेकिन उन्होंने कहा कि उनको मेल मिल रही हैं लोगों की शिकायतें मिल रही हैं नाराजगी से भरे हैं और मैं स्वीकार करता हूँ नैतिक जिम्मेदारी भी उन्होंने ली ठीक है ये भी उन्होंने मान लिया और ये वादा किया कि हम पारदर्शिता से बिना किसी भेदभाव के बिना किसी डर के कार्रवाई करेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे एन पे हो एन के किसी भी लेवल का अधिकारी हो कोई भी हो करेंगे कुछ राजनीतिक सवाल जो अभी चूँकि सिचुएशन डायनेमिक है अब ये भी उछल रहा है कि वहाँ कौन मंत्री जी हैं तो उसमें तेजस्वी यादव जी का नाम क्योंकि एक जो वहाँ लीक कराने वाला किसी गेस्ट हाउस में जो रुका था नेशनल हाईवे अथॉरिटी की वो किसने बुक कराया था तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं सिन्हा साहब उन्होंने तेजस्वी यादव के पीए प्रीतम यादव का जिक्र कर दिया उस तरह के सवाल भी पूछे गए तो फिलहाल उस पर तो उन्होंने कहा कि भाई पटना पुलिस अच्छा काम कर रही है बिहार पुलिस हमें जानकारी दे रही है हम हाँ उसकी जांच से संतुष्ट हैं और करेंगे बहुत अच्छा बहुत बढ़िया लेकिन ये मंत्री जी ने नहीं बताया कि भाई इसमें जो बच्चों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा ये नहीं बताया अभी और ये सवाल किसी ने पूछा भी नहीं कि साहब ये स्वीकार करना बहुत अच्छी बात है कि आपने आगे आके बताया आपने कहा कि हम रद्द नहीं करेंगे पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी ये सरकार के स्टैंड है बाकी तो उच्चतम न्यायालय जो बताएगा वो 8 जुलाई को उसके सामने याचिकाएं सारी लगी हुई हैं अलग अलग तरह की याचिकाएँ हैं तब तक तो और भी तथ्य आ जाएंगे तो असली फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगा और सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्य बेंच की अगुवाई कर रहे हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जिन्होंने मई में इसी तीन सदस्य बेंच ने जब ये एग्ज़ाम खत्म हुए थे एग्जाम हुए हुए थे रिजल्ट तो आया है चार जून को जो आना था चौदह को और चार को क्यों आया उसका भी अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला कि क्यों अचानक प्रीपोन कर दिया गया लेकिन जो भी है अब तो ये सारी हर जो पहलू है इसका विवादास्पद वो याचिकाओं के उसमें कवर हो गया है जितनी याचिकाएं अब तक लगी हुई है तो वो तो आठ तारीख को सारी याचिकाओं पर सुनवाई होगी और इसमें शायद ही किसी को संशय होगा कि चंद्रचूड़ जी की अगुवाई में वही फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा जिसकी जनता उम्मीद कर रही है और जो न्याय के हित में है जो भी तथ्य सामने आए सरकार ने बता दिया कि भाई सरकार अपनी तरफ से नीट की पूरी परीक्षा रद्द नहीं करने जा रही है लेकिन जो इतवार को होने जा रहा है अभी रीटेस्ट जिसमें अभी पंद्रह बच्चे ही भाग लेंगे अब सुप्रीम कोर्ट के सामने तो वो भी आ चुका है कि इतने क्यों और भी बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हमारा भी टाइम लॉस हुआ तो वो सारा तो आठ तारीख को फैसला होगा ये सवाल अभी बाकी है कि ये जो मोदी की गारंटी थी ये तो अचानक इसमें तो नेहरू जी इन्वॉल्व थे नहीं इसमें तो कांग्रेस इन्वॉल्व नहीं थी दस साल तो दस साल से तो चक्रवर्ती सम्राट माननीय मोदी जी की ही सरकार है और मोदी जी की गारंटी इस बार के चुनाव का एक बहुत बड़ा एजेंडा भी थी अब एनडीए कह लीजिए उसको मोदी जी थोड़ा उससे खुश हो जाएंगे एनडीए मान लेते हैं चलिए एनडीए की सरकार का तो जो चौकीदार था चौकीदार है ये क्या उसकी नाकामी नहीं मानी जाएगी सरकार की डार्क वेब में पहुंच गया आप तो यहाँ पूरे देश को खबर नहीं होती है रात को नोटबंदी लॉन्च कर देते हैं यहाँ तो किसी को भरोसे में नहीं लिया जाता आप बड़े से बड़े फैसला खुद ही करते हैं खुद जारी कर देते हैं और देश को आप बता रहे हैं कि देश कहाँ पहुँच गया है आपको तो शेयर बाजार में कैसा मूवमेंट होने वाला है चुनाव के नतीजों का उसकी जानकारी रहती है पूरे देश में क्या होने जा रहा है उसकी पूरी खबर रहती है घुस घुस के मारते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं किसी को वो नहीं करने देंगे तकनीक के मामले में हम इतने आत्मनिर्भर हो गए हैं हम तो ड्रोन का शो करा रहे हैं स्टार्टअप इकॉनमी की बात हो रही है एल एन मस और उससे लोहा लेने की बात कर रहे हैं अपना खुद का ऐप बना रही है भारत सरकार डी आर डी ओ डेवलप कर रहा है उसको टक्कर देंगे और बड़े खूबसूरत नाम योजनाओं के रखे गए हैं तो उस सबके बीच में ये पूछा जाना क्या असंगत है कि क्या इसे ना माना जाए कि सरकार फेल हुई है क्या इसे ना माना जाए कार्रवाई तो आप करेंगे तो वो एहसान नहीं करेंगे वो तो आपको करनी है नहीं तो उसके लिए तो फिर कानून है न्यायालय है। ये एहसान थोड़ी है भाई आपको सरकार चलाने के दिए है लोगों ने आप मालिक नहीं हैं कहते तो आप भी प्रधान सेवक थे बाकी सेवक की परिभाषा बताइए मोहन भागवत जी ने अगर समझ आई हो सुनी हो नहीं तो फिर समझाएगी अपने तरीके से वो नहीं तो फिर जनता तो बैठी है जनता ने एक बार तो बता ही दिया तो सवाल अभी ये खड़ा है और बाकी है कि ये जो आपने फेलियर कबूला आपने खुद कबूला कि एन में आप फेल हो गए ये जो यूजीसी नेट के मामले में नीट में आप कह रहे हैं मानसिक रूप से फेल हो गए पहले तो आप कह रहे थे कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है एनटीए तो बड़ी विश्वसनीय संस्था है आपने नैतिक जिम्मेदारी ली बहुत अच्छी बात ले ली लेकिन भाई ये तो बताओ कि वो जो हर्षवर्धन जी थे हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री देश ने तो कभी उन पर कोई आरोप लगाया नहीं था उनकी छुट्टी कर दी गई हर्षवर्धन जी की याद है ना आपको हर्षवर्धन जी डॉक्टर हर्षवर्धन बड़े अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं अच्छी छवि है हमेशा उपलब्ध रहते हैं दिल्ली के लोगों का मैं करो मेरा तो व्यक्तिगत भी उनके बारे में अच्छा ही मानना है हर डॉक्टर हर्षवर्धन जी का लोग भूल गए होंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग को तो इजाजत भी नहीं है जरूरत नहीं है उनको तो अनडिक्लेयर्ड हुआ है कि नहीं कोई नाम नहीं लेगा एक निशंक जी भी थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री थे उन्हीं के कार्यकाल में नई शिक्षा नीति आई थी ना उनको भी आ, पता नहीं कौन से मार्गदर्शन मंडल में डाला गया है कि कोई आता-पता भी नहीं कहीं ना उनकी फ़ोटो दिखती है ना कहीं उनका जिक्र होता है तो ये जो इन लोगों को नमस्ते किया गया इनमें से किन किन की उम्र पिछहत्तर साल थी आपको अगर पता हो तो पता ये एक नरेंद्र सिंह तोमर थे ना हाँ वो तो वहाँ मध्य प्रदेश में है तो ऐसे जो बड़े कद्दावर मंत्री थे जो काम कर रहे थे और जिनको चलता कर दिया गया जिनको आराम करने के लिए कि भाई बहुत काम कर लिया थोड़ा रिटायरमेंट का आप बोलो थोड़ा जीवन जियो काम में लगे रहोगे क्या तो ऐसे लोगों को जो भेजा हमारे मतलब मोदी जी और, और कौन है शाह जी बाकी हाँ नड्डा जी का भी कुछ रोल रहा होगा तो ये पूछा जाना क्या न्याय संगत और प्रासंगिक नहीं है आप बताइए आप बताइए ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है कि भाई जिम्मेदारी तो तुमने ले ली बच्चों का साल बर्बाद हो गया टाइम वेस्ट हो गया अब आप कह रहे हो हम बताएंगे अलग से कब होगी वो तो उसका खामियाजा तो दो कुछ तो कंपनसेशन दो ये नहीं मिलना चाहिए ये तो दो तरफ़ा होना चाहिए ना एक तरफा ही रहेगा कि आप जब चाहो हमसे हो जाए नागरिकों से तो भैया सारे कायदे कानून हैं ये भी दो वो भी दो लेट फीस दो जुर्माना भरो कानून का पालन करो लेकिन सरकार जो कि जवाबदेह है होनी चाहिए ना जवाबदेही ये नहीं होनी चाहिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना राइट टू रिकॉल की जो बात उठी थी तो यहां पर जो मंत्री खुद कह रहा है कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है मैं लेता हूं नैतिक जिम्मेदारी जो भी गलत हुआ है और उसको ठीक करूंगा तो फिर उसको भी खुलासा होना चाहिए कि भाई वो क्या मिलेगा उन बच्चों को क्या मिलेगा जिनके साथ नुकसान हुआ उन पेरेंट्स को क्या मिलेगा तो सरकार की क्या जो स्थिति है सरकारी विभागों की जब ये कबूल रहे हैं ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए ना कि क्या जब दुर्घटना हो जाए जब कोई कांड हो जाए जब कोई ऐसी बड़ी अनमली ऐसी विसंगति ऐसा विवाद हो जाए लफड़ा हो जाए घोटाला हो जाए अब साबित हो जाए जैसे ये आरोप लगाया विपक्ष ने कि भाई चुनाव के दौरान जो शेयर मार्केट में उछाल और गिरा हुआ उसमें बहुत सारे तीस लाख करोड़ के करीब का उसमें नुकसान हुआ और लोगों के पता नहीं कितने पैसे गए तो उसकी दलील में आ गया कि नहीं नहीं वो तो पीयूष गोयल जी ने की थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है लोगों को पता नहीं है और उसमें तो विदेशी निवेशकों के पैसे गए और देश के जो छोटे निवेशक हैं उन्होंने तो कमाए मतलब उन्होंने तो एक तरीके से कमा लिया लाभ और उसका वो जस्टिफाई कर रहे थे कि प्रधानमंत्री या अमित शाह जी या जिन्होंने भी जो भी संकेत दिए उससे तो उल्टा कमाई हुई तो ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं है ना अगर इस तरह की आ, कमाई हो रही है तो उसे भी कोई जस्टिफाई तो नहीं कर सकता स्पेकुलेटिव है और सरकार के जो लोग हैं उनका काम स्पेकुलेशन को प्रोत्साहन देना तो नहीं है उनका काम तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना सिस्टम स्टेबल होना चाहिए ये नहीं है कि किसी को विंडफॉल गेन करा दिया तो उसको जस्टिफाई कर दिया जाएगा ये तो वैसे ही मामला हुआ ना कि आप बाद में अपने पंद्रह लाख का तो आप जिक्र कर नहीं रहे कि आपने जो पंद्रह लाख का वादा किया था उसका क्या हुआ आपने जो तीस रुपये लीटर पेट्रोल देने की बात की थी उसका क्या हुआ आपने जो शुगर महंगाई सब्जी गैस सिलेंडर उसकी सब बातें की थी लेकिन आप जो है संसद भवन में जब एन की मीटिंग हो रही है तो आप पूरा दस मिनट ये बता रहे हैं कि वहाँ औरतों की लाइन लग गई है वो राहुल गांधी जी से जो एक लाख रुपए देने की बात की है वो मांगने आई है और वो दीजिए उन्हें इतनी मूर्ख नहीं है जनता आप समझ रही है सब कुछ खुल गई है कली तो यहाँ भी ये हिंदी फिल्मों की तरह क्यों हो गई है हमारी सरकार की उसकी क्रेडिबिलिटी हिंदी फिल्मों में जैसे पुलिस का एक अच्छी बात नहीं है ये मतलब मैं उसकी कोई पैरवी नहीं कर रहा हूँ लेकिन एक पॉपुलर परसेप्शन है ये पुलिस के साथ पुलिस के साथ अन्याय भी रहा होगा सारी जगह की पुलिस ऐसी नहीं है लेकिन हमारे यहाँ ही नहीं, नहीं दूसरे देशों में भी अक्सर देखा गया है कि वहाँ की फिल्मों में मतलब जो बात मुझे कहनी है वो आप समझिए कि पुलिस हमेशा घटना होने के बाद ही क्यों पहुँचती है जब अपराधी चला जाता है सब कुछ हो जाता है तब पुलिस है तो यहाँ भी सरकार हमारी मामला हो गया पहले डिनाई कर दो मना कर दो सब कुछ ठीक है ऐसा वही नहीं है तो अपोजिशन का मोटिवेटेड वो है इसकी कोई खाम मतलब वो नहीं है इसकी सजा नहीं है सजा सिर्फ अपोजिशन के लिए है आपके ऊपर कोई विकारेबिलिटी नहीं होती अरविंद केजरीवाल पर लागू है उस पर होगी उसकी पार्टी की सरकार है तो अगर कोई ये कहे या कल को पता चले ये तथ्य है कि वो जो पर्चा लीक करने वाला था वो आपकी पार्टी का मेंबर था या आपकी पार्टी से जुड़ा था तो क्या नड्डा जी के ऊपर आएगी क्या प्रधान सेवक जी जिम्मेदारी लेंगे मंत्री जी ने तो कहा मैं नैतिक जिम्मेदारी ले रहा हूँ लेकिन खामियाजा कुछ नहीं भाई नैतिक जिम्मेदारी ले ली काफ़ी है और पूरा नहीं करेंगे ये तो एक तरफा बात हुई ना मुझे नहीं समझ में आ रही है आपको आ रही है तो आप बताइए आपको अगर ये बात सही लग रही है होना तो ये चाहिए कि भाई आप ये भी तो बताइए कि इसका ये खामियाजा सरकार देगी ये कम्पनसेशन मिलेगा जो लोग शामिल हुए थे इसमें परीक्षा में दोबारा उनको इस बार उन्हें आने जाने का शामिल होने का इतने दिन का डिले हुआ अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ तो उसका मिलना चाहिए ना ये कौन देगा ये भी तो लागू करो तब तो डर बैठेगा ना और उनसे वसूला जाए जो जो लोग इसमें शामिल हैं उनसे वसूला जाए आप बुलडोजर चलवा दे रहे हो ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है इसीलिए है ना कि खौफ बैठे इसीलिए है ना कि पुनरावृत्ति ना हो अदालत के न्याय से पहले साबित होते ही आप कह रहे हो घर तोड़ दो बुलडोजर चला दो ये कर दो तो ये और आप नया प्रावधान आप जो बता रहे हो कि हमने नकल रोकने के लिए गलत चीज़ों का परीक्षा में इस्तेमाल के लिए जो प्रचलन चल रहा है उस पूरे माफिया पर नियंत्रण करने के लिए हम बड़े सख्त बुला रहे हैं तो व्यवस्था की अपनी चूक व्यवस्था की अपनी खामी ठीक है उसके लिए भी तो प्रावधान होना चाहिए लीक मतलब क्या लूट लिया क्या कहीं पे पेपर किसी ने कहीं पे डकैती हुई कहीं पे कोई ऐसा मामला आया कि कहीं सरकारी मतलब जैसा फिल्मों में देखते हैं हम कि उनकी तिजोरी से निकाल लिया गैस कटर से गए लोग या लूट लिया पेपर कैसे हुआ डार्क नेट पे पहुंचा या बाजार में पहुंचा तो इसका मतलब आपकी जो व्यवस्था है वो फुल प्रूफ नहीं थी तो दस साल में आपने क्या अर्जित किया ये तो केंद्र सरकार का मामला है इसमें तो कोई विपक्ष शामिल नहीं है ये शामिल है तो ये सवाल पूछे जाने चाहिए देखिए बाकी तो इंसाफ तो अदालत में होगा फिलहाल जो प्रधान जी ने कहा है उस पर आपकी क्या राय है एक देश के जिम्मेदार जागरूक नागरिक के तौर पे और भाई राजनीति की इसमें मत करिए सब ने मना किया कि इस पर राजनीति उन्होंने भी कहा है मंत्री जी ने वैसे ही इन वक्तों की इस समय दिक्कत है करें क्या कमाई तो बंद हो गई अब एल एन को गाली दे नहीं सकते तो मोदी जी बुला के ला रहे हैं उसको इलेक्शन इन्वेस्टमेंट के लिए देश में तो चला गया था रूट के वापस मोदी जी बुला के लाए दो बार तो अभी मती भ्रम है कि करें क्या भागवत जी से तो इनकी हिम्मत नहीं है कि भागवत जी ने बोला अहंकार कम करो मणिपुर जाओ इस तरह के प्रचार नहीं करो करोगे दूसरे को तो जो भी भगवत जी ने बोला भक्तों को तो पता ही होगा लेकिन उस उससे रिएक्ट कैसे करें ठीक है तो ऐसी दुविधा है भाई क्या करें उस दुविधा का तो हमारे पास कोई हल नहीं है तो बने रहिए लीगल ऑब्जर्वर के साथ और हम आपको बताते रहेंगे क्या कुछ हो रहा है हमारी कोशिश है यदि आपको पसंद आ रही हो तो हमें सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए सहयोग भी दीजिए क्योंकि आज़ाद आवाज़ों को सवाल पूछने वालों को आपका समर्थन अगर नहीं होगा तो मुश्किल होगी लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र में आवाजों का स्वतंत्र होना और सवाल पूछे जाना बहुत जरूरी है नमस्कार